नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं अंजलि सिंह। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आने से ग्रहण लगता है। हालांकि विज्ञान इसे खगोलीय घटना मानता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इसे काफी महत्वपूर्ण मानते हैं, जो कई बार लोगों की किस्मत भी बदल देता है। अब ऐसे में चंद्र ग्रहण साल का आखिरी लगने जा रहा है। उस दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है और राशियों पर कैसा असर पड़ेगा, इसी के बारे में हम बातचीत आज करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य राज मिश्रा मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बताइए हमारे दर्शकों को कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब लग रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए साल का, वर्ष का जो आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है 28-29 अक्टूबर शरद पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा को ऐसा माना जाता है कि गोपियों के साथ भगवान कृष्ण का रास हुआ था, ये पूर्णिमा अमृत वर्षा करने वाली मानी जाती है। इसी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा 28-29 अक्टूबर की रात्रि को 1:05 से लेकर के 2:24 के बीच में, समय नोट कर लीजिए, ये जनरली 29 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग होगी, 1:05 से लेकर के और 2:24 के बीच में ये ग्रहण लगने जा रहा है जी। कई बार हम ये देखते हैं कि चाहे चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, कई बार भारत में उसका असर रहता है। क्या इस बार का ये जो चंद्र ग्रहण लगेगा भारत में, इसका क्या असर रहेगा? निश्चित रूप से भारत में तो असर रहेगा ही। भारत के साथ साथ अगर अदर कंट्रीज में उठा करके देखा जाए तो जनरली भारत के साथ यह चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला है, संपूर्ण एशिया में रहने वाला है, यूरोप में रहने वाला है, अफ्रीका में रहने वाला है, दक्षिणी पूर्वी अमरीका में रहने वाला है और उसके साथ कनाडा सहित हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में दिखाई देने वाला है। So, ये ग्रहण सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं रहने वाला है, विश्व की बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां पर ये ग्रहण दिखाई देने वाला है। और सूतक अभी इस दौरान लगता है, ग्रहण जब भी लगता है उस दौरान देखते हैं कि सूतक काल जरूर होता है। कब से कब तक सूतक काल लगेगा और कब लगेगा? देखिए, एक नियम है कि जब भी ग्रहण लगता है ग्रहण से 8 घंटे पहले सूतक का नियम है। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है और चंद्र ग्रहण के अंतर्गत 8 घंटे पहले सूतक का वर्णन मिलता है। सो ऐसी कंडीशन में सायंकाल को 4:05 पर, ध्यान रख लीजिए, 28 तारीख की सायंकाल को 4:05 पर जो ग्रहण का सूतक काल है वो प्रारंभ हो जाएगा जी। तीन प्रकार के चंद्र ग्रहण माने जाते हैं और कई बार इसका असर भी हम भारत में देखते हैं। भारत में अगर असर पड़ रहा है तो कैसा असर पड़ेगा और साथ ही कौन से वो चंद्र ग्रहण रहेंगे जो इस बार लगने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इस बार खग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, ठीक है, पर बहुत सारे अलग अलग ग्रहण जो है उनका वर्णन मिलता है, लेकिन इस बार खग्रास चंद्र ग्रहण जिसको कहा जाता है वो लगने वाला। जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, क्योंकि दो ग्रहण एक साथ, एक ग्रहण पहले भी लग चुका है और 15 दिन के अंतराल में दूसरा ग्रहण लगने जा रहा है, विश्व पर उसके साथ साथ भारत पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। हमने बहुत सारे कार्यक्रमों में इस बात को लेकर के चर्चा किया है कि जब भी दो ग्रहण एक साथ आते हैं, ध्यान रख लीजिए, जब भी दो ग्रहण एक साथ आते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत भूकंप इत्यादि की घटनाएं बहुत अधिक देखने को मिली है। और इस बार का जो ग्रहण भी लगने जा रहा है वो मेष राशि में लगने जा रहा है, अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत लगने जा रहा है। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, साथ में राहु, बृहस्पति और चंद्रमा, तीनों प्लैनेट एक साथ होंगे। राहु बृहस्पति को, राहु को चेंज होना है, एक दिन बाद ही चेंज होना है, 30 तारीख को चेंज होना है, लेकिन जिस दिन ग्रहण लगने जा रहा है उस दिन राहु बृहस्पति चंद्रमा एक साथ होंगे, उसके साथ मेष को ही दृष्टि दे रहे होंगे मंगल, केतु, सूर्य और बुध। अब सोचिए, ये एकमात्र इस प्रकार का ग्रहण है जो मेष राशि को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला है और इसका जो प्रभाव है, मेरा भगवान से प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति रहे, हमारा विश्व स्वस्थ रहे, सब लोग प्रसन्न रहे, लेकिन जो कंडीशन दिख रही है बड़ी अनुकूल नहीं दिख रही है। मेष राशि पर इतने पापक ग्रहों के होने से विश्व पर इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है और वो प्रभाव प्राकृतिक आपदा के रूप में पड़े, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। वो प्रभाव अगर उठा करके देखा जाए भूकंप के रूप में पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति है, देशों में अक्रोश उत्पन्न होने के कारण एक दूसरे के प्रति युद्ध जैसे हालात बने, इस प्रकार की परिस्थितियां इस ग्रहण से कहीं ना कहीं उत्पन्न होने वाली है।